हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TDA लर्निंग। नाम तो सुना ही होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये सेकंड वीडियो है कैलेंडर का। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था ऑलरेडी, जो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको ओपन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कैलेंडर के बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि बेसिक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारा डिटेल मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उसके क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैलेंडर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक दो क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ साथ फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैलेंडर से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था फर्स्ट वीडियो में, एंड इस वीडियो में हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग आते हैं फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पे किया हुआ था उसके एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। उसके साथ सेकंड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फुल डिटेल में यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक 10 दिसंबर 1996 लिया, राइट। 10 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। जिन लोगों ने वीडियो को देखा था, फर्स्ट वीडियो को देखा हुआ है, उनको आइडिया मिल गया कि ये मैंने कैसे किया हुआ। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा हुआ है, पहले जाके फर्स्ट वीडियो को देखिए, जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो हम यहाँ पे सीधा करते हैं। देखिए, 10 दिसंबर में हम लोग क्या ले रहे थे, पहले डे ले रहे थे, डेट ले रहे थे। डेट तुम्हारा क्या है, 10। उसके बाद मंथ कोड क्या रहा है, दिसंबर आ रहा है। दिसंबर का मंथ कोड क्या होता है, दिसंबर का मंथ कोड क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 035। लास्ट का कोड क्या था, 035, यानी दिसंबर का 5। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मंथ कोड के पे 5 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं 19th century, यहाँ पे लिखो सेंचुरी कोड। ठीक है, सेंचुरी कोड, 19th century का कोड मैंने क्या बताया था, 19th century का कोड क्या होता है, 0 होता है। 19th century का कोड क्या होता है, 0 होता है। अब उसके बाद क्या आता है, आपके ईयर आते हैं, ईयर कितना है, 96। अब देखिए यहाँ पे, ये ईयर हो गए तुम्हारे 96, ये वाले 19th century के बाद कितने ईयर आए तुम्हारे, 96। अब उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था कि लीप ईयर भी आपको काउंट करना होगा। अब इसमें देखो, लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर के लिए करना क्या होता है, 96 को डिवाइड करना होता है किससे, 4 से। ठीक है, 4 2 जा 8, रिमेनिंग 16, 4 4 जा 16, यानी कि ये तुम्हारा आंसर है 24। तो यानी ये 96 ईयर में कितने लीप ईयर आए होंगे, 24 लीप ईयर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 24 को ऐड करोगे। ठीक है, ये स्टेप्स हो गए तुम्हारे, पहले डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर, लीप ईयर। ओके, इन सबको करना क्या है, सबको ऐड करना है। ऐड करो, 5 6 4, 5 हो गया, 1 9 10 135। काउंट कर लो फिर से, 15 15 प्लस 96 और 24 135। अब इसके बाद ये तुम्हारे आ जाते हैं टोटल डेज, कह सकते हो आप इसको। ठीक है, अब इसमें डे कोड निकालने की जरूरत पड़ेगी तुमको। डे कोड निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, टोटल डेज जो आएंगे 135 को क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, जितने टाइम्स जा रहा है वो आंसर तुम्हारा नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, 135 डिवाइड बाय 7, 7 मन जा 7, रिमेनिंग आपका 6, 5 7 9 जा जाएगा 63, रिमेनिंग बचा कितना, 2। अब इसमें देखिए, 135 डिवाइड बाय 7 किया तो आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है, 19। लेकिन हमको लेना ये नहीं है, हमको क्या लेना होगा, रिमेनिंग के डेज। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हम लोग रिमेनिंग वाला क्यों ले रहे हैं, अगर 10 दिन के बाद का मुझे पता करना है, आज मंडे है,
दस दिन बाद क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, सेवन तो माइनस करेंगे क्योंकि आज मंडे है, तो सात दिन बाद फिर से मंडे वही हो जाएगा। अब उसके बाद रिमेनिंग जो डेज बचेंगे वही तो ऐड करना होगा तुमको, मंडे ट्यूसडे वेनसडे जो रिमेनिंग बचेगा, तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। 135 डेज में सेवन से डिवाइड करेंगे, जो डायरेक्टली कट जा रहे वो तो तुम्हारे सेम टू सेम उतने हो जाएंगे, वही सेम रिपीट डेज आएगा, बट एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं वही तुमको यहाँ पे लेना होगा। तो डे को तुम्हारे क्या हो जाएंगे, इक्वल टू क्या लिखा था, टू। अब बताओ डे कोड टू किसका मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने डे कोड बताया था, टू किसका था, ट्यूसडे का। तो यानी इस दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा। कौन से दिन, ये वाले 10 दिसंबर 1996 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर आपको डेट दिया हुआ है, डेट के साथ आपको सेम टू सेम स्टेप कैसे करना है वो डिटेल मैंने बताया हुआ था। 10 डेट है तो आप लोग दिसंबर के लिए मंथ कोड लगेगा, 19 सेंचुरी है तो सेंचुरी कोड लगेगा। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है, प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो को देखोगे तो ही ये समझ में आएगा, अदरवाइज इसमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि कौन से मंथ के लिए कौन सी कोड होती है, कौन से सेंचुरी के लिए कौन सी कोड होती है, कौन से डेज के लिए कौन सा कोड होता है। ठीक है, यहाँ पे ईयर आया 96 ईयर, उसके बाद लीप ईयर काउंट करना है। लीप ईयर हमारे हमने काउंट किया था तो कितना आया था, 24 आया था। टोटल डेज इनको टोटल कर लो, 135 आएगा, 135 में 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमको वो लेना होगा, वो हमारा आंसर होगा। यानी कि 2 आया, 2 जो होगा हमारा डे कोड होगा। डे कोड हमने 2 किसके लिए माना था, ट्यूसडे के लिए, क्योंकि मंडे को 1, ट्यूसडे को 2 एंड थर्सडे, ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 किए हुए थे। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आई होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के तरफ। दूसरे क्वेश्चन में देखो सेम वही स्टेप रहेगा, बट खाली इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेट ले लिया, मैंने एक डेट लिया 19 February 2015 को, कौन सा डेट था। अब इसका ध्यान दो, आपके पास फोन भी होगा, फोन में बैक डेट जाके इसका डेट निकाल भी सकते हो और अपना भी देख लेते करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो 19 February में पहला क्या लेते हैं हम लोग, डेट लेते हैं। डेट क्या है तुम्हारा, 19। उसके बाद दूसरा क्या आता है, मंथ। यानी मंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मंथ कोड। बताइए 5 के लिए कौन सा कोड यूज होगा, 5 के लिए कौन सा कोड यूज होगा, यहाँ पे 3। मैंने बताया था 0 30 3, यानी जैन के लिए 0, फाइव के लिए 3 और मार्च के लिए 3। हो गया मंथ कोड। अब आते हैं सेंचुरी। ठीक है, ये सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड होती है तुम्हारी 20 सेंचुरी के लिए, हम लोग यूज करते हैं 6। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा आ गया ईयर, ईयर कितना है 15। उसके बाद उसमें लीप ईयर, लीप ईयर कितने आएंगे, 15 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 4 3 12, यानी कि 3 लीप ईयर, 15 / 4 यही आएगा, एग्जैक्टली तुम्हारा आएगा 3। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं टोटल 19 3 6 15 and 3, 19 + 3 + 6 15 and 3 आएगा ये 46। अब देखिए ये आया तुम्हारा टोटल डेज। ठीक है, अब इसको करना क्या होगा, आपको डेज कोड में कन्वर्ट करना होगा। डेज कोड क्या है तुम्हारा, लाने के लिए क्या करते हैं, 46 को डिवाइड करते हैं 7 से और रिमेनिंग वाले पार्ट को हम लोग लेते हैं। अब 47 को मैं डिवाइड करता हूं 7 से तो कितना आएगा, 5। यानी कि
47 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा 42 और रिमेनिंग बच रहा है 5। तो यहाँ पे डे को क्या आएगा तुम्हारा 5। 5 किसका आंसर है? 5 तुम्हारा फ्राइडे का कोड है। डेज कोड 5 किसका है? तो आंसर होगा तुम्हारा फ्राइडे। समझ में आया? चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका, उसके बाद हम लोग कुछ और ट्रिक देखेंगे। चलिए हम लोग एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा सा ट्रिक रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 15 Feb 2008 को कौन सा डे है? 15 Feb 2008 को कौन सा डे है, यही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। अब इसको देखो कैसे करते हैं। पहले अपना सिंपल रूल मैंने बताया था, स्टेप सिंपल सा है। पहले डेट को लिखते हैं, तो मैंने डेट को लिख लिया कितना 15। फिर मंथ कोड, एक बार ये फॉर्मेट को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि एक ही फॉर्मेट है जो इजीली आपको इसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे कि कैसे कैसे करना होता है। मंथ के लिए मंथ कोड की रिक्वायरमेंट होगी, देखो 5 के लिए 3 होता है। अब उसके बाद आता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड में सेंचुरी कोड 20 सेंचुरी है तो यानी इसका 6। अब उसके बाद आता है ईयर, तुम्हारे ईयर कितना है 8 है। इधर देखो 15 Feb 2008, पहले क्या कर रहे हैं हम लोग डेट को ले रहे हैं, फिर मंथ कोड ले रहे हैं, फिर सेंचुरी कोड ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग ईयर ले रहे हैं। यही बेसिक कंसेप्ट है, इतना तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक लीप ईयर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैटर फंसेगा तुम्हारा, लीप ईयर कितने आएंगे इसमें, एग्जैक्टली 2 आएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग अपने हिसाब से करते जाओ, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था 15 + 3 + 6 + 8 + 2, राइट, 8 + 2 = 10 हो गया, 15 9 24 25 4 10 होगा ये 34, ठीक है। टोटल तुम्हारा कितना आ गया 34। 34 को अब हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल डेज आया हुआ है, राइट। अब डे कोड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, डे कोड निकालने के लिए मैंने बताया था कि 34 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स आएगा, या इधर देख लो 34 / 7 बचा कितना 6, राइट। ये जो 6 बचेगा वो तुम्हारा क्या होगा, डे कोड होगा। 6 जो है वो तुम्हारा डे कोड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने की बात है। अब देखिए मंथ कौन सा है तुम्हारा, डे है 15, मंथ है 5 2018 2018, हमको पता है कि लीप ईयर है, राइट। और 20 सेंचुरी के बाद ये दूसरा लीप ईयर पड़ेगा, राइट। तो हमने 2 लिया हुआ है। अच्छा, लीप ईयर को हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि लीप ईयर में डेज तुम्हारे 1 डेज बढ़ जाते हैं, मतलब एक लीप ईयर में 1 डेज बढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग 2008 तक 2 हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया। लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए, क्या इस साल में आपके लीप ईयर आ चुके हैं क्या? लीप ईयर कब होते हैं, 29 Feb को आता है, राइट। डेज तुम्हारे कभी बढ़ते हैं, 29 Feb को बढ़ता है, बट यहाँ पे डेज 29 Feb के पहले ही है, तो यानी तुम्हारे डेज बढ़े क्या उस साल में, नहीं। अभी 2008 में तुम्हारे दिन बड़े नहीं हैं, तो यानी कि क्या हम लोगों ने ये जो लीप ईयर 2 ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, ये हमने गलत किया हुआ है। अभी क्या करेंगे, जो डेज कोड आएगा यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं, अगर कर रहे हो तो वेल डन, अगर नहीं कर रहे हो तो लास्ट में डेज कोड जो आएगा उसमें से एक माइनस कर दो। एक माइनस करने के बाद आंसर आएगा तुम्हारा 5, राइट। अब 5 को क्या करना है, इसको फ्राई हो गया फ्राइडे, 5 क्या हो गया तुम्हारा फ्राइडे, ठीक है। 5 जो कोड होता है वो फ्राइडे के लिए यूज किया जाता है, राइट, कोड में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब देखो ये जो हम लोगों ने रीजन क्यों इसको माइनस करने का बता दिया, राइट। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, अगर डेज कोड में समझ लो यहाँ पे 35 होता था,
ये टोटल करने के बाद मुझे 35 आता था, डिवाइड बाय 7 करता था तो हमारा कितने टाइम जाता था, 5 टाइम जाता था, लेकिन रिमेनिंग कितना बचता था, कुछ नहीं बचता था। तो आंसर तुम्हारा 0। 0 का मतलब क्या होता था, फिर संडे होता था। लेकिन 0 में से अगर 1 माइनस करेंगे, यही सेम सिचुएशन आया माइनस 1 करने की, तो क्या करोगे, माइनस 1 होता है क्या, नहीं। क्या करोगे, 0 का मतलब होता है संडे, संडे में एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, संडे में एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, सैटरडे आएगा। सैटरडे का कोड क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे लॉजिक तुम्हारा मैथ का गलत साबित होगा, 0 माइनस 1 इक्वल टू 6, समझ रहे हो। 0 में से एक माइनस करोगे तो आंसर तुम्हारा 6 आएगा। ये होता है तुम्हारा ट्रिक। आपको एग्जाम में नॉर्मली आप कितना भी करके जाओगे, ये ट्रिक दे दिया, अब करते बैठो वही फॉर्मूला, राइट। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, 29 फैक्ट आया क्या उस लीप ईयर में, नहीं आया। तो एक नोट आप करिए कि देखिए, एक नोट आप लिख लीजिए कि अगर मंथ जैन और फेब रहेगा और ईयर लीप ईयर रहेगा, ठीक है, अगर ईयर लीप ईयर है और उसके साथ साथ मंथ जैन और फेब रहेगा, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से एक हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग को वो लीप ईयर छोड़ना होगा। 29 फेब नहीं आया, 29 फेब के पहले कोई भी डेट लिखा रहेगा, हम लोग उसको क्या करेंगे, 1 डेज माइनस कर देंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर पता कैसे चलेगा कि लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है। वैसे बता दूं कि लीप ईयर जो है कि हर 4 साल के बाद आता है, जो साल 4 से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो वो लीप ईयर है। अब हर ईयर को डिवाइड करते बैठोगे तो पता ही नहीं चलेगा ना, करो डिवाइड करते बैठो। या तो फिर यहाँ पे जब तुम कर रहे हो, ये देखो मैंने 34 को 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे रिमेनिंग आया था, सॉरी यहाँ पे 8 को मैंने क्या किया था, 4 से डिवाइड किया था, तो कितने टाइम्स किया था, 2 टाइम्स ना। लेकिन रिमेनिंग बचा था क्या वहाँ पे, नहीं बचा था। अगर जिसमें रिमेनिंग नहीं बच रहा है, समझ लो वो लीप ईयर है। यहाँ पे हम लोग वैसे भी तो करना पड़ता है, हमको डिवाइड बाय 4 करना पड़ता है, डिवाइड बाय 4 कर लो, जिसमें रिमेनिंग नहीं बच रहा है वो मतलब कि लीप ईयर है। उसमें आपको फिर आपको ध्यान देना होगा कि क्या मंथ जैन और फेब है। अगर जैन और फेब मंथ का रहेगा तो मतलब तुमको एक दिन उसमें से माइनस करना होगा। समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था कि दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब तक हम लोग जो कर रहे थे वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। अब देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते कैसे हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें समझ लो आपको एक डेट लिखा हुआ है, लाइक 14 अप्रैल 2013 को अगर फ्राइडे है, राइट, मई 2013 को कौन सा डेज होगा, या फिर इसके पहले भी पूछ सकता है कि 25 मार्च 2013 को कौन सा डेज होगा, राइट। आगे भी पूछ सकता है और पीछे भी पूछ सकता है, एक डेट दिया रहेगा उसका दिन दिया रहेगा। पूछ सकता है कि पहले की कोई डेट दे के आपको पूछ सकता है कि उस पर कौन सा दिन रहा होगा, या फिर आने वाला जो दिन होगा उस पर क्या दिन होगा, इस डेट पे कौन सा दिन होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, 14 अप्रैल 2013 को अगर फ्राइडे है तो 16 मई 2013 को कौन सा डे होगा। अब देखो पहले करना क्या होगा, इनके और इनके बीच में डेज का डिफरेंस निकालना होगा, समझ में आया। अगर मैं 1 तारीख को बोलूं मंडे है तो 7 तारीख को क्या होगा, मंडे ही होगा ना, क्योंकि 7 दिन के बाद क्या होगा, मंडे होगा। तो उसमें हम लोग क्या करें, पहले डेज का निकाल दें कितना डेज है, और 7 दिन बाद मुझे पता है कि 7 दिन के बाद क्या होता है, रिपीट होता है डेज। तो वही सेम चीज़ है,
यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे कितने डेज का होगा, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा, तुम्हारा फ्राइडे में ऐड हो जाएगा। देखें 14 अप्रैल 2013 को और 16 मई 2013 को, देखो स्टेप जो बता रहा उस तरीके से करिएगा, कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं आओगे। अब देखो हम लोग करते कैसे, अप्रैल में कितने दिन बचे हुए तुम्हारे, अप्रैल में कितने दिन बचे हुए पहले तो पता होना चाहिए, सबको ये चीज़ पता है क्या, कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31, 30, 31, 30, 31, 30, सिर्फ फेब को छोड़ के, फेब 28, 29 का होता है, ठीक है। अब अप्रैल उस हिसाब से जैन फेब मार्च अप्रैल यानी 30 का डेज होता है, 30 में से ऑलरेडी 40 डेज हो चुके हैं, तो तुम्हारे रिमेनिंग कितने डेज बचे होंगे, 16 डेज बचे होंगे, राइट, ये 16 लिखो। दूसरा 16 मई 2013, अब मई में तुमको कितना दिन आना है, 16 डेज, टोटल हो गए तुम्हारे 32 डेज, 32 डेज को क्या करना है, 32 डिवाइड बाय 7, तो यानी कि 7 4 28 28, और रिमेनिंग तुम्हारे कितने बचेंगे, ये देखो 32 को 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 7 4 28 अब बचेगा रिमेनिंग 4, तो यानी कि ये 4 दिन तुम्हारे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यानी फ्राइडे फ्राइडे बोलते ना जुम्मा जुम्मा 4 दिन, तो जुम्मा जुम्मा 4 हफ्ते निकल गए तुम्हारे, बच्चे जो रिमेनिंग तुम्हारे 4 दिन, तो यानी फ्राइडे में 4 ऐड कर दो, राइट, फ्राइडे में 4 ऐड कर दो, सैटरडे संडे मंडे एंड ट्यूसडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पे, ट्यूसडे आएगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 14 अप्रैल 2013 को अगर फ्राइडे है तो 16 मई 2013 को कौन सा दिन होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, इनके और इनके बीच में डे का डिफरेंस निकाल लो, डे का डिफरेंस निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर एक मंथ का हम लोग अलग अलग निकालेंगे। अब देखो अप्रैल से मई तक जाना है, मानिए अप्रैल में 16 डेज, मई में 16 डेज, यानी टोटल 32 डेज हो गए, 32 डेज को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जितने टाइम से आ रहा है उसको लेने की जरूरत नहीं है, जितने टाइम जाने के बाद जो रिमेनिंग बच रहा है उसको हमको क्या करना है, फ्राइडे में ऐड कर देना है, यानी कि फ्राइडे प्लस 4 डेज, राइट, वही है ना, फ्राइडे प्लस 4 डेज, तो आगे तुम्हारा ट्यूसडे। अब देखो, अच्छा हाँ एक चीज और ध्यान रखना इसमें, जो मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराए थे उसमें देखो याद करो कोड मैंने बताया था, राइट, डेज के कोड भी मैंने बताया, तो उसमें क्या करते थे हम, ये डे का कोड यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है आपको, वो जो हमने जितने भी कोड बताए हुए थे, जैसे कि सेंचुरी का कोड, मंथ का कोड एंड डेज का कोड, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए यूज होते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन करने के लिए उसको कहीं यूज मत करना। मैंने देखा हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कोड समझ के डायरेक्टली यही आंसर लिखते हैं, 4 कोड को यूज करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, लेकिन ये नहीं, इसको 4 को क्या करना होगा, तुमको फ्राइडे में ऐड करना होगा, फ्राइडे में 4 डेज ऐड करोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा ट्यूसडे। अब चलते हैं ऊपर वाले पे, 25 मार्च 2013 को कौन सा डे रहा होगा, ठीक है, 14 अप्रैल को दिया हुआ है फ्राइडे, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 मार्च से 14 अप्रैल तक हम लोग पहले डेज को निकालेंगे, स्टेप वाइज वही सेम रहेगा। अब देखो सबसे पहले कौन सा मंथ आता है, मार्च, अब मार्च कितने दिन का होता है, 31 डेज का होता है, जबकि ऑलरेडी 25 डेज हो चुके हैं, तो यानी 6 डेज उसमें बचे हुए हैं। अप्रैल के कितने डेज हैं, 14 डेज, तो अप्रैल क्या हो जाएगा, 40 डेज, राइट, 40 प्लस 6 होगा तुम्हारा 20 डेज, 20 डेज को अगर 7 से डिवाइड करोगे, 20 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 6 डेज एक्स्ट्रा बचेगा, लाइक अगर फ्राइडे में 6 डेज, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर मैंने आपको बोला आज फ्राइडे है, राइट, तो 2 दिन पहले क्या होगा, 2 दिन पहले क्या होगा, वेनसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे आता ना, तो मतलब पहले की बात करें तो मतलब माइनस करना होगा, राइट, फ्राइडे में 2 दिन माइनस करना होगा, और बात क्या अगर पूछ रहे तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे फ्राइडे प्लस 4 डेज, तो पिछले वाले में इसमें निकालने के लिए क्या करोगे, फ्राइडे में जो एक्स्ट्रा आएगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, फ्राइडे माइनस कितना डेज है तुम्हारा, 6 डेज ना, राइट,
ये तुम्हारा आया हुआ है 6 days, फ्राइडे में 6 days माइनस करोगे तो ये आंसर है तुम्हारा जो आएगा वो सैटरडे आएगा, यानी 25th March 2013 को आंसर तुम्हारा क्या आएगा, सैटरडे आएगा, राइट। अब ये तो मंथ अगर दो मंथ थे मतलब एक ही मंथ का डिफरेंस था लगभग तो हम लोगों ने कर लिया, अगर 3-4 महीने का डिफरेंस रहेगा तो क्या यही तरीका है करने का? जी हाँ बिल्कुल, तरीका यही है, स्टेप यही है, बट कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं ये बताऊंगा कि इसको अगर समझ लो यहाँ पे मई की जगह पे दिसंबर दिया होता तो हम लोग क्या करते थे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हर मंथ का टोटल करते थे और टोटल करने के बाद डिवाइड बाय 7 करेंगे, आएगा आंसर। सेम स्टेप आप करोगे आंसर आएगा, बट मैं अब देखो एग्जाम में हमको कैलकुलेशन करके वहाँ पे बैठना नहीं है, हमको कम टाइम में कैसे सोल्यूशन देना है वो चीज़ें करनी है, तो उसके लिए क्या ट्रिक, क्या कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज करें ताकि हमारा फास्ट हो, राइट। तो ठीक है इसको हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, हमारा जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे और उसमें फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हमने होमवर्क आपको दिए हुए हैं उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि थर्ड पार्ट में ऑलरेडी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों को शेयर करेंगे तो लोगों को भी बेनिफिट इसका मिलेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।